TVS IQ इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस किस प्रकार से होती है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। यहाँ पर हम आ गए हैं भाई, बेंगलुरु में एक सर्विस सेंटर है और वहाँ पर आ गए हैं। तो हम सबसे पहले जॉब कार्ड की तरफ जाते हैं। पहले आपको जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर उसके बाद में ये डिजिटल जॉब कार्ड होता है, इसमें सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होती है। आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या परेशानी आ रही है, वो सारी चीज़ आपको बतानी पड़ती है। फिर आपको जॉब कार्ड प्रिंट आउट किया जाता है, और प्रिंट आउट करने के बाद में जो जॉब कार्ड है वो सबसे पहले फ्लोर मैनेजर को दिया जाता है, और फ्लोर मैनेजर को जब वो पहुंच जाता है फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर को मंगाया जाता है, और मंगाया जाता है सर्विस के लिए। और सर्विस के लिए सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की धुलाई की जाती है काफ़ी अच्छे से उसको क्लीन किया जाता है, और अच्छी प्रकार से उसको ड्राई किया जाता है, और फिर उसको सर्विस एरिया में ले जाया जाता है, और फिर उसके बाद में पुनः उसको ड्राई किया जाता है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में उसके कंपोनेंट्स को ड्राई देखा जाता है कि कंपोनेंट्स में कौन कौन से सर्विस के लिए है, और सर्विस के लिए उसकी सर्विस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले उनका पीछे वाला व्हील है वो उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद में उनके जो सभी प्रोसेस है वो देखते हैं, और फिर उसके बाद में उनके जो ड्रम ब्रेक हैं पीछे वाले उनको चेक किया जाता है, और काफ़ी अच्छे से चेक करने के बाद में उनको बारीकी से क्लीन किया जाता है, और फिर उसके बाद में उनके फ्रंट और जो फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन किया जाता है। और आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने पैड से मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें कोई भी अपडेट है वो भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर वो एडजस्टमेंट आपको शॉकर भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये शॉकर दोनों तरफ ही एडजस्टमेंट है, आप दोनों तरफ अप और डाउन कर सकते हैं, जैसे आपकी ज़रूरत के अनुसार आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। सर्विस सेंटर पर कस्टमर के लिए बैठने के लिए एरिया दिया गया है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सर्विस एरिया में क्या क्या चीज़ दी गई होती है। तो यहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, और यहाँ पर आप अखबार पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी किसी भी लैंग्वेज में आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाईफाई देख सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट अपना मोबाइल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप मैच देख सकते हैं, और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल को मोबाइल से देख सकते हैं कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्विस हो रही है नहीं हो रही है। आप कैमरे में भी सर्विस देख सकते हैं, सर्विस किस प्रकार से हो रही है, वो सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस होने के बाद में पुनः चेक किया जाता है कि कोई भी इशू और तो नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, और फाइनल टच दिया जाता है। फाइनल टच में इलेक्ट्रिक स्कूटर की लाइट्स चेक की जाती है कि भाई लाइट्स जो है सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। उनके इंडिकेटर भी चेक किए जाते हैं कि सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अदर कंपोनेंट भी चेक किए जाते हैं, और फिर उसके बाद में उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है, बहुत ही अच्छे से उनको स्प्रे किया जाता है, और उसको डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। और डिलीवरी के लिए तैयार करने के बाद में वो जो है सर्विस कंप्लीट जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़े कर देते हैं, और खड़े करने के बाद में फिर उसके बाद में कस्टमर को बुलाया जाता है, और बिल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, और उसमें जो है क्या क्या प्रोसेस हुई है, क्या क्या सर्विस में हुई है, और आपको बिल पे करने के लिए कहा जाता है, और आपको मल्टीपल मेथड दिए जाते हैं आपको बिल पे करने के लिए। और फिर उसके बाद में जब आप बिल पे कर देते हैं, और फिर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चेक कर लें, कोई भी इशू नहीं है, और फिर उसके बाद में आपकी सर्विस हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ऑल द वेरी बेस्ट।